नमस्कार, शीला फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। ये हमारा कपड़ा है, इसका एक हम आज शॉर्ट्स बनाएंगे, थोड़ा सा फ्री शॉर्ट्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं। अब हम लंबाई लेंगे, जैसे हमें तैयार करेंगे 16 का, तो 4 इंच ऐड कर लेंगे यानी कि 20, ठीक है। 20 इंच का ऐसे तैयार करना है। 2 इंच ऊपर फोल्ड होगा और नीचे फोल्ड होगा, ठीक। अब 2 इंच ऊपर ऐसे निशान लगा देंगे इस पे, यहाँ पे ऊपर का जो घेर है हमारा, ये है 14 का, और आसन भी इससे नीचे हम 14 का मतलब इस तरह है कंप्लीट करके ऐसे लेंगे तो 16 का लेंगे। ठीक, 16 का निशान लगा लिया। अब ये ऐसे मिलाते हैं इसको, 14, 3 इंच यहाँ पे निशान लगा देंगे, ये हमारा गोलाई के लिए। अब नीचे लेंगे मोरी, ये हमारा 17 है, तो यहाँ पे हम 16 की मोरी लेंगे, बिल्कुल फ्री बनाएंगे ये, थोड़ी हेल्दी है ये, इसकी हेल्थ थोड़ी अच्छी है इसलिए गोलाई करेंगे और काट देंगे। ये तो है हमारा फ्रंट, अब बैक तैयार करेंगे, ठीक है। ये हमारा बैक है, ये हमारा जो हमने कटिंग किया है फ्रंट है। अब इसके ऊपर रख लेंगे ऐसे, ये हमने 2 इंच का निशान लगा दिया ऊपर, ये बैक है इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है। अब आगे भी ऐसे ही 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ पे 2 का निशान लगा के और यहाँ पे भी 2 का निशान लगेगा। निशान को ऐसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ये मिला देंगे ऐसे, और यहां से इस कोने पे देखिए, ये यहां से बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल है थोड़ा सा, ये रेप निकाल, जैसे रेप होती है ना ऐसे बना देंगे यहाँ पे। ये हो गया कट के तैयार हमारा शॉर्ट्स। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, अब सिलाई शुरू करते हैं। देखिए पहले ये ऊपर वाला उठाएंगे, ये हमारा फ्रंट है, इस पे सिलाई लगा लेंगे दोनों पे आसन पे। ये हमारा बैक है,
इस पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे आसन पे। ऐसे खोल देंगे, ठीक है, देखिए ठीक। और इसके ऊपर इसको जो हमारा बैक है उसको ऐसे खोल के और ये साइड सिलाई लगा देंगे। ये साइड वाली सिलाई है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब इस पे हम रबड़ डालेंगे, रबड़ डालेंगे जितनी हमारी कमर है उससे 9 इंच कम, ठीक है। अब देखिए हमारी रबड़ है ये, पैंतीस की, ठीक है। इसमें 9 इंच ऐड करेंगे तो हमारी कमर आ जाएगी। ये हेल्थ अच्छी है, मैंने पहले ही बोला था ना इसलिए। अब इसको हम पहले रबड़ को ऐसे जॉइंट कर लेंगे, कर लिया। अब शुरुआत करेंगे बैक से। देखिए ये जो रेप दिख रही है ऐसे, ये है हमारा बैक, और बैक को रखेंगे ऐसे, नीचे वाले को नीचे निकाल देंगे और ऐसे रखेंगे, रबड़ रखेंगे ऐसे और बिल्कुल सीध में इसके ऐसे रख के, और एक पैर का ऐसे फोल्ड करेंगे इसको ऐसे। यहाँ से हम इस पे रबड़ पे सिलाई शुरू करेंगे। नीचे वाले को खींच के आराम से ऊपर वाला कपड़ा हमें रखना है, ये मैंने पहले ही बता रखा, जहाँ पे रेब हो ना वहाँ पे नीचे वाले कपड़े को खींच दो, आराम से सेट हो जाएगी हमारी रबड़। और पूरे घेर में, ठीक है, नेफे में ऐसे ही हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। नीचे वाले को हल्का हल्का सा खींचेंगे, ऊपर वाले को आराम से रखेंगे कपड़े को और ऐसे सिलाई लगाते चले जाएंगे, ठीक है। पूरे घेर में ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। हमने रबड़ डाल दी है, देखिए अब हम इस पे एक पट्टी लगाएंगे, ठीक है। नीचे एक डिजाइन बनाने के लिए ये हमने 4 इंच की पट्टी ली है, इसको हम फोल्ड करेंगे ऐसे डबल और इसके ऊपर रखेंगे। ये नीचे है हमारा, नीचे का हिस्सा है, मोरी है हमारी, इस पर थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे ना, उसके लिए पट्टी रखी है। पूरी मोरी में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, पट्टी लग गई। अब इसको नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे यू, और ये नीचे वाले कपड़े को भी नीचे की तरफ खींच देंगे, फोल्ड कर देंगे मतलब, और इस पे एक सिलाई ऐसे, इसको बैठी सिलाई पक्का टाका जो भी सेंटर सिलाई कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। नीचे वाले कपड़े को नीचे और इसको ऐसे, एक सिलाई ऐसे लगा देंगे जो पट्टी लगाई है उसके ऊपर से, ठीक है।
दोनों साइड में हमारी पट्टियाँ लग चुकी हैं, ठीक है। ऐसे मोरी सीधा करके ये बीच की सिलाई लगा देंगे अब। अच्छे से मिला लें इनको। सिलाई और लगा देंगे, पक्का हो जाएगा ये हमारा। ये हो गया हमारा शॉर्ट सिल के तैयार। ठीक है, लगाई सिलाई। अब हमारा शॉर्ट तैयार है। ये हो गई हमारी शॉर्ट सिल के तैयार। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। थैंक यू।